अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ सेट टी इज इक्वल टू दिस, क्यू इज इक्वल टू दिस एंड आर इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो टोटल 4 पार्ट्स दिए हुए, आपने इन सवालों को जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, इन दिए गए सेट्स की मदद से। सवाल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपके पास है P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे वेरीफाई करनी है कि दोनों के रिजल्ट जो है वो आपके पास, चाहे आप P को Q के साथ यूनियन करवाएं या Q को जो है वो आप P के साथ यूनियन करवाएं, दोनों के रिजल्ट जो है वो आपके पास सेम आने चाहिए। ठीक है, ये आपने जो है वो यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो प्रूफ की आप इस तरीके से हेडिंग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर सवाल है आपके पास ये, तो अब अपनी मर्जी से आप कोई भी साइड जाओ यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लूंगी क्योंकि वेरीफाई करना है सवाल को, टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है क्यू यूनियन पी। देखिए सेट क्यू और सेट पी, इन दोनों के दरमियान आपने यूनियन फाइंड करना है। तो सेट आपके पास ऊपर मौजूद है, सबसे पहले क्यू की बात की जा रही है, तो सेट क्यू है आपके पास ए ई आई ओ यू, बीच में यूनियन का साइन है। ठीक है, उसके बाद है सेट पी, तो सेट पी के आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब आपने दोनों सेट्स के दरमियान यूनियन फाइंड करना है, तो अब आपने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है और ऑर्डर वाइज लिखना है। किस तरीके से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज आप लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास है ए बी सी डी ई। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ए और ई जो है वो यहां से चला गया, उसके बाद आ जाएगा आपके पास आई ओ एंड यू। ठीक है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को जो है वो आपने इस तरीके से कंबाइन कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज आपने इनको लिख लिया, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास P यूनियन Q। ठीक है, यहां इस तरीके से आप लिख देंगे। सबसे पहले जो है वो आपने सेट P लिखना है जो कि है A B C D E, बीच में आ जाएगा आपके पास यूनियन का साइन, और इसी तरीके से Q आ जाएगा आपके पास वॉवल्स का सेट। ठीक है, इस तरीके से अगेन आपने यहां पे जो है यूनियन ही फाइंड करना है, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को आप जो है वो मिलाकर लिखेंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, ये सेम थे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आप जो है वो यहां पे इसी तरीके से लिख देंगे, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट में आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपके पास, मैं बुक से सवाल देख रही हूं, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। यहां पे भी आप अपनी मर्जी से कोई भी साइड पिक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो है वो इनके दरमियान यूनियन का साइन था, अब यहां पर आपने जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन दोनों सेट्स के दरमियान। ठीक है, तो मैं यहां पर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेती हूं। अब देखिए यहां पर है P इंटरसेक्शन Q, तो सबसे पहले जो है वो सेट P की बात हो रही है, तो सेट P है आपके पास, बीच में आ जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन का साइन, और सेट Q है आपके पास वॉवल्स। ठीक है, जैसे इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो दोनों सेट्स में आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपका रिजल्ट होगा, लाइक ए एंड ई। ठीक है, तो ए और ई जो है वो आपका
रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड का. तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे. नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है आपके पास क्यू इंटरसेक्शन पी. ठीक है, क्यू इंटरसेक्शन पी. तो सबसे पहले जो है वो सेट क्यू है. सेट क्यू आपके पास वॉवल्स हैं. और सेट पी है आपके पास फर्स्ट फाइव अल्फाबेट्स. यहां पे भी देखें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको आप जो है वो यहां पे टिक लगा लेंगे या सर्किल कर लें. ठीक है, तो वो आपका जो है वो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड का रिजल्ट हो जाएगा. लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड. ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास ठीक है, ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट है. सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड ले लूंगी, टेकिंग राइट हैंड साइड जो क्या है पी इंटरसेक्शन क्यू देन इंटरसेक्शन आर. ठीक है, अब आप यहां पर जो है वो सबसे पहले आपने क्या चीज करनी है, तीन आपके पास जो है वो यहां पे सेट्स की बात की जा रही है पी क्यू एन आर. तो सबसे पहले जो है वो आप ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो इसको मजीद आर के साथ जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे हम. तो सबसे पहले यहां पे जो है वो आप सॉल्व करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू. तो सबसे पहले पी सेट है आपके पास एंड सेट क्यू है आपके पास वॉवल्स. कॉमन एलिमेंट्स आ गए आपके पास ए एंड ई. ठीक है, तो ये आपका पी इंटरसेक्शन क्यू का रिजल्ट हो गया. मजीद आपने क्या चीज करनी है, इस रिजल्ट के साथ आपने इंटरसेक्ट करना है आर को. तो ये पूरी साइड जो है वो आप यहां पे नीचे कॉपी करेंगे. इस ब्रैकेट की जगह जो आपका ब्रैकेट का रिजल्ट आया वो आप लिखेंगे जो आपने ऊपर फाइंड किया है ए एन ई. इससे आप इंटरसेक्ट करेंगे. इस पूरे ब्रैकेट की जगह ये आ गया आपके पास, उसके बाद ये आ गया बीच में इंटरसेक्शन का साइन एंड देन सेट आर है आपके पास सी डी ई एन आई. ठीक है, बुक से मैंने सेट देख लिया. अब देखें इन दोनों सेट्स के अंदर क्या चीज आपके पास जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है या क्या जो है वो कॉमन है. तो एलिमेंट ई आपके पास जो है वो इन दोनों में मौजूद है, या आप कह सकते हैं कि एलिमेंट ई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दोनों सेट में. तो आपके पास जो है वो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड का. ठीक है, सिर्फ एलिमेंट ई. नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर. ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप जो है वो क्यू इंटरसेक्शन आर फाइंड कर लेंगे. सेट क्यू है आपके पास इसे आप इंटरसेक्ट करेंगे सेट आर के साथ जो के है ये. ठीक है, अब दोनों में क्या चीज आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है ये देखिए यहां पे एलिमेंट ई एंड एलिमेंट आई. ठीक है, तो ये आपका जो है वो ये ब्रैकेट का रिजल्ट आ गया. मजीद आपने क्या करना है, इसको पी के साथ जो है वो इंटरसेक्ट करवाना है. तो ये पूरा जो साइड है वो आप यहां पे कॉपी कर लेंगे. तो सेट पी है आपके पास इसे आपने इंटरसेक्ट करवाना है
क्यू इंटरसेक्शन आर के रिजल्ट के साथ जो कि है ई एन आई। अब देखिए इन दोनों सेट्स में आपके पास क्या चीज जो है वो कॉमन है, एलिमेंट ई। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड साइड पे भी आपके पास जो है वो ई आ रहा था सेट में, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास जो है वो एलिमेंट ई आ रहा है। तो आप लास्ट में किस तरीके से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। और लास्ट इसका पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये आपने इस तरीके से ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लूंगी, पी यूनियन, उसके बाद ब्रैकेट में है आपके पास क्यू इंटरसेक्शन आर। तो सबसे पहले जो है वो यहां पर आप क्यू इंटरसेक्शन आर जो है वो फाइंड कर लेंगे। सेट क्यू है आपके पास वॉवल्स, इसे आप इंटरसेक्ट कर लेंगे सेट आर के साथ जो कि है सी डी ई एन आई। ठीक है, इनमें से क्या चीज आपके पास इंटरसेक्ट हो रही है, ई एन आई। पूरी साइड आपके पास जो है वो आप नीचे दोबारा इस तरीके से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि एक रिजल्ट आपने फाइंड कर लिया। अब आपने जो है वो इस रिजल्ट को पी के साथ यूनियन करना है। तो सबसे पहले सेट पी की बात की जा रही है, तो सेट पी में एलिमेंट्स हैं आपके पास ए बी सी डी ई, इसे आपने यूनियन करना है क्यू इंटरसेक्शन आर के रिजल्ट के साथ जो कि है ई एन आई। अब देखिए इन दोनों सेट्स के दरमियान यूनियन का साइन, इट मीन्स कि आपने इनके एलिमेंट्स को जो है वो कंबाइन करके लिखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको यहां पे लिख लेंगे ए बी सी डी ई एंड आई। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो एक साइड कंप्लीट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है आपके पास ये देखिए ये है पार्ट पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर। ठीक है, अब आपने देखिए यहां पे आपके पास जो है वो दो ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले आपने इन दो ब्रैकेट्स को फाइंड करना है, जो इनके रिजल्ट्स होंगे उसको आपने इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपके पास पी यूनियन क्यू, तो सेट पी है आपके पास एंड सेट क्यू है आपके पास ये। ठीक है, बीच में यूनियन का साइन है, तो आप कंबाइन कर दें इनके एलिमेंट्स को ए बी सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ब्रैकेट फाइंड कर लिया। इसी तरीके से जो है वो पी को आप यूनियन करेंगे आर के साथ, सेट पी है आपके पास ये, यूनियन सेट आर है आपके पास सी डी ई एन आई। यहां पर ये क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई एन आई। ठीक है, यहां पर अभी सी डी ई मौजूद था तो ये आ जाएगा आई। ठीक है, अब आपके सामने जो है वो दो रिजल्ट्स आ गए, दो ब्रैकेट्स आ गए, पी यूनियन क्यू एंड पी यूनियन आर। अब आपने क्या करना है, इनके दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये पूरी साइड सबसे पहले आप यहां पे लिख लेंगे, तो पी यूनियन क्यू आपने जो है वो फाइंड करा है वो आप पूरा लिख लेंगे ए बी सी डी ई आई ओ यू। बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, तो यहां आप इस तरीके से इस पूरी चीज का रिजल्ट आपके पास ये था, या आ गया बीच में इंटरसेक्शन का साइन,
और पी यूनियन आर का रिजल्ट जो आपने फाइंड किया वो आप यहां लिख देंगे। अब देखिए इनमें क्या चीज जो है वो दोनों सेट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी डी ई एन आई, तो जो चीजें कॉमन है वो आप नीचे जो है वो इस तरीके से सेट बना के लिख देंगे इसका, ठीक है। तो ये आपका जो है वो राइट हैंड साइड का रिजल्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई आई, ए बी सी डी ई आई, ठीक है। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।